लखनऊ के लग्जरी होटल लेवाना स्वीट में आग लग गई। आग में कई लोगों के झुलसने और चार लोगों की मौत हो गई। शासन ने इस अग्निकांड में मंडलायुक्त और पुलिस आयुक्त को जांच सौंपी है। इस क्रम में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैबकब ने होटल को सील कर ध्वस्त करने की कार्यवाही के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही जिन होटलों ने LDA को नोटिस मिलने के बाद कोई दस्तावेज नहीं दिए उनको सील करने के निर्देश भी दिए हैं। मंडलायुक्त और LDA अध्यक्ष डॉक्टर रोशन जैबकब ने चिट्ठी में लिखा है कि इस होटल के बारे में उपाध्यक्ष ने जानकारी दी है। इसके अनुसार 12 मई को नोटिस के जवाब में लेवाना स्वीट्स होटल ने 2021 से 2024 तक की अग्निशमन विभाग की फायर NOC प्रस्तुत की है। मंडलायुक्त के अनुसार होटल में फायर एस्केप प्रणाली का अभाव है। फसाद पर लोहे की ग्रिल है, फिर भी NOC कैसे मिल गई, यह जांच का विषय है। इसके अलावा होटल मालिक ने LDA को कोई स्वीकृति मानचित्र नहीं दिए। जोनल अधिकारी ने 26 मई 2022 में नोटिस भेजा। इस नोटिस का होटल ने जवाब भी नहीं दिया। इस पर होटल लेवाना की तरफ से कोई जवाब ना देने पर 28 अगस्त 2022 को फिर नोटिस दिया। कमिश्नर ने सीलिंग की कार्यवाही तुरंत करते हुए विधिक प्रक्रिया पूरी कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही देने का निर्देश दिया। कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैबकब ने लेवाना होटल मालिकों पर भी कार्यवाही के आदेश दिए हैं। इस दौरान फायर विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।